कोई क्वेश्चन है? जी बेटा बिल्कुल करूंगा रिप्लाई। आपने सिद्धरा क्यों नहीं भेजा? आपने तो भेजा नहीं ना काम, क्या भेजा है? ठीक है कल आप कर दें, ठीक है कल भेज दें बेटा, कोई मसला नहीं। कल इस एक्टिविटी जिन्होंने नहीं की वो कल इस एक्टिविटी को कर लें। अभी मैं मुखातिब हूँ उन लोगों से जो लोग गए हैं और उनको कोई क्वेश्चंस हैं उनके सामने, कोई चीज पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं 2-4 मिनट आप लोगों को दे रहा हूँ, तो फिर हम इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान को डिस्कस करेंगे। क्लास में क्यों नहीं जाने दिया गया? The only person in this conference. अपनी नोटबुक पेंसिल कॉपी अपने हाथों में रखें और अभी हम इंशाल्लाह ताला इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। सर बताइए, ये जो गूगल क्लासरूम का प्लेटफॉर्म है ये आप लोगों के लिए जब तक आपका वाइवा नहीं होता उस वक्त तक आपके लिए अवेलेबल होगा। आप अपनी चीजों को यहाँ शेयर करके चेक करवा सकते हैं, ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। और फिर एंड पे जाके हम क्लास को पूरे मटेरियल को गूगल ड्राइव में आप लोगों के साथ मेल एक लिंक शेयर किया जाएगा, उसमें आप उसके जरिए आप मेल में गूगल ड्राइव में सेंड कर देंगे। और जब वहाँ गूगल ड्राइव में वो मटेरियल आपका ओपन होगा और आपका मटेरियल कंप्लीट मेरे पास आ जाएगा, तो फिर 20 नवंबर के बाद किसी भी टाइम आप लोगों का मॉडल लेसन और वाइवा हो सकता है। बुखारी बेटा व्हाट्सएप पे एसएमएस करने का कोई फायदा नहीं, मैंने आपको बता दिया कि आपका काम वहां मौजूद है और क्लास के एंड पे 10-15 मिनट में मैं इनकी जो है ना डिटेल आपको बता दूंगा, जो मिस्टेक है वो भी बता दूंगा और आपको गूगल क्लासरूम में भी उसकी मिस्टेक पता चल जाएगी। ठीक हो गया? और आज जो लोग स्कूल में गए हैं उनकी अगर कोई ऑब्जर्वेशन हैं, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो वो मुझे बताएं। बस एक क्लास में अभी
बच्चे मनज़ा बतूल, आपको आवाज नहीं आ रही बेटा, मैं म्यूट करता हूँ। अच्छा जी, लेसन प्लान आप लोगों ने बना लिया? लेसन प्लान आप लोगों ने बना लिया? अगर लेसन प्लान के किसी की क्वेरी है वो भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर ऑब्जर्वेशन पे किसी का कोई प्रश्न है वो भी कर सकते हैं। वैसे ऑब्जर्वेशन को हम एंड पे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया? चलें ठीक है। अब हमारा जो मेन कंपोनेंट है आपके 40 लेसन के बाद आप लोगों का जनाब तो 2 मॉडल लेसन और 1 IEP इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान। अभी हम इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान पे बात करेंगे। वैसे इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान होता क्या है? इसको हम अपनी शॉर्ट फॉर्म में IEP की कहते हैं। इंडिविजुअलाइज एजुकेशन, व्हाट इज इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान? इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान क्या है? कोई आंसर करना चाहता है इस पे? काफी लोग लिख रहे हैं इसलिए मैं सर जी मोहम्मद अकरम ऑफ 1 ईयर IEP मेन हम किसी एक ही बच्चे के तमाम स्टेट्स को जी एनीवन कोई और कोई भी आप कोई और बंदा इसका कमेंट करना चाहे चलें ठीक है जी। सुने जी, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान को हम मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ नाम देते हैं, जैसे कि इसको हम आप जब इसको गूगल पे सर्च करोगे या आप इसको यहाँ पे आप इसको सुन रहे हैं जब मुख्तलिफ IEP देखेंगे इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान ईच IEP मस्ट बी डिजाइन फॉर वन स्टूडेंट मोस्ट दी इंडिविजुअलाइज्ड रिक्वायरमेंट। वेरी गुड, लेकिन मदद आपने गूगल से ली है, आप अपनी बिल्डिंग में बयान करते तो ज्यादा बेहतर। सर गूगल से भी दिया है, पता है, ठीक हो गया। चले देखें जी, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम क्या होता है? व्हाट इज इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान? इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान, स्पेशल एजुकेशन प्लान, इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल सिस्टम, इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम दिया जाता है। और ये एक डॉक्यूमेंट है जो
चाइल्ड के लिए, इन स्टूडेंट के लिए, इन तुलबा के लिए जिनको स्पेशल एजुकेशन नीड, स्पेशल एजुकेशन असिस्टेंस होती है, ताकि वो अपने एजुकेशनल गोल्स को अचीव कर सके। जी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहें, ये ना हो कि मैं बोलता ही रहूं और बाद में आप लोग कह दें कि सर आवाज नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। मैंने आप लोगों को इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान का थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश की है कि इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान होता क्या है। हम किसी भी लेवल पे जाएंगे एज ए स्पेशल एजुकेशन टीचर तो हमें आईपी के बारे में सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान क्या होता है। अच्छा, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान को मुख्तलिफ तरीकों से पूछा जा सकता है। कोई कहेगा कि इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान क्या होता है, कहीं आपसे पूछा जा सकता है इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम क्या होता है, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान क्या होता है, स्पेशल एजुकेशन प्लान क्या होता है, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन सिस्टम क्या होता है। तो मैंने आपको पहले बताया कि इसको मुख्तलिफ डिफरेंट जगह पे डिफरेंट नाम दिए जाते हैं और ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो डेवलप किया जाता है पब्लिक स्कूल्स में इन चाइल्ड के लिए, इन बच्चों के लिए, इन स्टूडेंट्स के लिए, इन तुलबा के लिए जिनको स्पेशल एजुकेशन नीड्स होती हैं, ताकि वो अपने स्पेशल एजुकेशन एजुकेशनल गोल्स को अचीव कर सके। आर यू अंडरस्टैंड? अच्छा जी, ओके, शाबाश। अच्छा जी, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान में डिसेबिलिटी को डिटरमाइन किया जाता है। इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान में डिसेबिलिटी को डिटरमाइन किया जाता है कि कौन सी डिसेबिलिटी है। ये बात बेटा थोड़ी सी समझने की है, मेरे बच्चे तवज्जो से सुनेंगे, लिखेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो आपका आईईपी का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैसे डिटरमाइन किया जाता है कि कौन सी डिसेबिलिटी है? बच्चा हेयरिंग अपेयर्ड है, बच्चा विजुअली अपेयर्ड है, बच्चा पीडी का है, बच्चा एनसीसी है, बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी का है, बच्चा ऑटिज्म का है, बच्चा स्पीच एंड थेरेपी स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर है, ठीक है। और ये तय किया जाता है कि ये कौन सी डिसेबिलिटी है, किस बच्चे में डिसेबिलिटी है, और फिर ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि इसको किस किस्म का असिस्टेंस चाहिए और किस किस्म की स्पेशल नीड चाहिए, इसको किस तरह की हेल्प चाहिए। और फिर किस तरह का अकोमोडेशन देना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें, पहले डिसेबिलिटी कौन सी है, कौन सा बच्चा है, किस बच्चे को डिसेबिलिटी है और इसका किस किस्म का असिस्टेंस चाहिए, किस किस्म की स्पेशल नीड चाहिए, किस किस्म की हेल्प चाहिए, किस तरह का अकोमोडेशन देना है उसको। तो इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान में ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके के साथ, एक रूल रेगुलेशन के साथ, बकायदा रूल्स के साथ डिफाइन होती। कौन सी डिसेबिलिटी है, कौन सा बच्चा है, कौन सा स्टूडेंट है, कौन सी कैटेगरी है। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल देके बताने की कोशिश की है कि बच्चा हेयरिंग अपेयर्ड है, बच्चा फिजिकली हैंडीकैप है, तो कैटेगरी तो ये होगी। अब उसमें डिसेबिलिटी क्या है, उसकी डिसेबिलिटी का लेवल क्या है, उसकी डिसेबिलिटी की कैटेगरी क्या है, तो उस कैटेगरी के तहत, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसे हेल्प दी जानी चाहिए और फिर उसकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसको स्पेशल नीड्स दी जाए। ये चीजें जो है ना,
हाँ, एक स्टूडेंट को इन डिटेल डिस्कस करना है। नहीं जी, एक स्टूडेंट को इन डिटेल डिस्कस करने से क्या होगा बच्चे? आप बच्चे की डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमने उसको स्पेशल नीड प्रोवाइड करनी है और उसके अकॉर्डिंग हमने उसको असिस्टेंस देना है, उसकी हेल्प करनी है, उसको अकोमोडेट करना है ताकि वो दूसरे बच्चों के साथ मिलके अपने एजुकेशनल लर्निंग गोल्स को अचीव कर सके। थैंक यू जी। इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान में स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट को समझा जाता है, उसकी स्पेशल नीड को जाना जाता है ताकि वो अपने लर्निंग गोल्स, एजुकेशन गोल्स को आसानी से अचीव कर सके। इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान असिस्टेंट प्रोवाइडर। हाँ जी, एक्सप्लेन करके असिस्टेंट प्रोवाइड करना है जी, बिल्कुल। उसको स्पेशल नीड प्रोवाइड करनी है, उसको जो जो उसकी जरूरत है वो हमने उसको प्रोवाइड करनी है, और उसको जब हमने ये चीजें दे दी हैं, उसको हमने ये चीजें प्रोवाइड कर दी हैं, तो अब फिर हमने उस बच्चे को जो जो चीजें प्रोवाइड की हैं, जिस टीम के साथ प्रोवाइड की हैं, बच्चे की क्लास क्या थी, बच्चे का बैकग्राउंड क्या था, बच्चे की करंट पोजीशन क्या थी, तो हमने कौन कौन सी असिस्टेंस उसको दी है, कौन कौन सी सर्विसेज उसको प्रोवाइड की हैं, इस डॉक्यूमेंट को, इन डिटेल जो हमारे पास मौजूद है उसको हमने डिटेल लिख देना है, और फिर हमने अपने जो गोल्स सेट किए होंगे वो हमने कितने परसेंट अचीव किए हैं, हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है वो हमने वहां ऐड कर देना। आप लोगों के क्वेश्चन साथ साथ देख रहा हूँ क्योंकि तो आप लोगों के क्वेश्चन अगले जो स्टेप है ना उनसे रिलेटेड है। मेरा क्या, जो चीजें मैं बयान कर रहा हूँ ये चीजें आप लोगों के पास पहले ही ऑलरेडी मौजूद हैं, मेरा ख्याल है। अच्छा जी, मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान में स्टूडेंट के रिक्वायरमेंट को समझा जाता है, स्पेशल नीड्स को जाना जाता है, ताकि वो अपने लर्निंग गोल्स और एजुकेशन गोल्स को आसानी से अचीव कर सके। यहाँ पर टीचर और सर्विसेज प्रोवाइडर को भी हेल्प दी जाती है ताकि वो स्टूडेंट के रिक्वायरमेंट को समझ सके, ताकि वो स्टूडेंट की जो स्पेशल नीड है उसको समझ सके और उसको उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को के मुताबिक उसकी हेल्प कर सके और इसके लर्निंग गोल्स और एजुकेशन गोल्स को अचीव करवा सके। तो अगर कोई स्टूडेंट एमसीपी हो तो डिसेबल हो तो आता है, जो बच्चे की क्या आईडी होती सर, अगर कोई स्टूडेंट एमसीबी हो और आर एफ का मतलब नहीं समझ आ रही, नजर क्या कहना चाहते हो, डिसेबल भी हो और उस बच्चे का ये फिजिकली डिसेबल भी हो, ठीक हो गया। फिजिकल अगर वो एमसीसी भी हो, फिजिकली हैंडीकैप भी हो, इट मीन के वो बच्चा मल्टीप्लाई डिसेबिलिटी में चला जाएगा, तो आपने ये देखना है कि इस बच्चे की एजुकेशन में कौन सी चीज है जो रुकावट बन रही है, इसके एकेडमिक लर्निंग गोल्स अचीव करने में कौन से मसले
मसला जो है ना वो प्रॉब्लम कर रहा है, उसका बिहेवियर है, उसका अग्रेसिवपन है, उसका जो भी प्रॉब्लम है, जो आप समझते हैं कि जो एकेडमिक प्रॉब्लम में आता है, इससे इसकी लर्निंग को, अपने लर्निंग गोल्स को या उसका लॉस हो रहा है, तो उस के अकॉर्डिंग आप उसको उसकी आईपी बना रहे हैं। ओके हो गया जी। अच्छा जी, आगे चलो। इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान में ये डिस्क्राइब किया जाता है कि स्टूडेंट कैसे लर्न कर रहा है। आपके क्वेश्चन का जवाब आ गया, तो हमने देखना यह है कि ये स्टूडेंट लर्न कैसे कर रहा है, चाहे वो फिजिकली हैंडीकैप है, चाहे वो एमसीसी है, चाहे वो विजुअली इंपेयर्ड बच्चा है, चाहे हियरिंग इंपेयर्ड बच्चा है, तो वो लर्न कैसे कर रहा है, इसको बेस्ट लर्निंग कैसे प्रोवाइड की जाए, सर्विसेज प्रोवाइडर और टीचर इसकी लर्निंग को कैसे इफेक्टिव बनाए। यहाँ पर स्टूडेंट की जो डिसेबिलिटी का एक्ट है आइडिया 2004 के अकॉर्डिंग बच्चों को एनवायरमेंट दिया जाता है कि बच्चा नॉर्मल स्कूल में, नॉर्मल क्लासरूम में रहकर रह सकता है कि नहीं। इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान में ये चेक किया जाता है कि उसे लीस्ट डिस्ट्रक्टिव एनवायरमेंट मिले, ऐसा एनवायरमेंट जहां पर वो अपने आप को इजी फील करे, अपने आप को वो आइसोलेट ना हो, बिल्कुल इजी रहे, आजाद रहे, ऐसा एनवायरमेंट उसको देना चाहिए। और स्पेशल एजुकेशन में ना जाकर एक रेगुलर कैरिकुलम फॉलो करे, रेगुलर स्कूल में जाकर नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़े, सेम एक्टिविटी करे ताकि उसका कैपेसिटी बढ़े और उसके अंदर कोई ऐसी फीलिंग ना आए जो स्टूडेंट की प्रॉपर ग्रोथ जो है ना उसमें उसका कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे उसके। और इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान में ये यकीन दिलाया जाता है कि स्टूडेंट को अप्रोप्रिएट प्लान किया जाए। यहाँ पर अप्रोप्रिएट प्लेसमेंट का मतलब ये नहीं है कि स्पेशल नीड स्टूडेंट हैं तो इन्हें स्पेशल एजुकेशन में ही भेजा जाए, बल्कि इनको नॉर्मल स्कूल में, नॉर्मल क्लासरूम में, नॉर्मल बच्चों के साथ, नॉर्मल बच्चों में ऐसे बच्चे जो डिसेबल नहीं हैं, उन बच्चों के साथ जो है ना उनके साथ उनको चांस दिया जाना चाहिए कि वो रेगुलर स्कूल के निसाब को फॉलो करें, रेगुलर कल्चर को जानें, रेगुलर पढ़ाई करें, रेगुलर एक्टिविटी करें जो कि एक नॉर्मल नॉन डिसेबल बच्चे करते हैं, और इस तरीके से इनको हेल्प दी जाती है। और यहाँ पर ऐसे बच्चों को तब ही स्पेशल नीड दी जाती है जब वो स्पेशल नीड्स उनको रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पर इन बच्चों को फ्रीडम दिया जाता है ताकि वो अपनी जो अपनी गुफ्तगू, अपनी बातचीत, अपने अंदाज, अपनी एजुकेशन जो है ना वो नॉर्मल बच्चों के साथ प्रॉपर तरीके से करें एज अ जर्नल स्कूल स्टूडेंट। ये एक छोटा सा मैंने आप लोगों के सामने इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान का इंट्रोडक्शन रखा है। अब इतने में अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे करें, तो मैं यहाँ आपके पीपीटी पर आपकी जो है ये वाला स्क्रीन है इसके ऊपर इंशाल्लाह एक आईपी अपलोड करता हूँ, उससे हम आप लोगों को मजीद इंशाल्लाह जो है ना वो चीजें मिलेंगी कि हम ये जो हमने पढ़ा है, सुना है, देखा है, इसको अपने हमने डॉक्यूमेंट में कैसे लेके आना,
हमने बच्चे के साथ काम कैसे करना है, ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान को हमने प्लान क्यों किया जाता के बच्चे को हमने कैसे यूज करना है। बच्चा हमारे पास आ जाता है तो हमने कि जो स्पेशल नीड्स हैं उसको कैसे देखना है, सी के नीड्स क्या होंगे। जी बेटा इसी तरफ आ रहे हैं। शेयर करने लगा हूँ शेयर वीडियो जी अभी लगाता हूँ जी, वो हाथ से बिल्कुल गया था। जी क्लियर नजर आ रहा है। सबसे फर्स्ट पेज इस तरह से मैनेज करेंगे, मेरा रेड कलर का कर्सर हाथ आपको नजर आ रहा है, आईईपी इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान कंप्लीट लिख लें आप। जल्दी जल्दी में मैंने खुद ही लिखा है। आप अपना नेम लिखेंगे, आपका रोल नंबर आ जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, आपका प्रोग्राम एमए स्पेशल एजुकेशन या एमएड स्पेशल एजुकेशन, आपका कोर्स स्कोर 3600 फेस टू फेस कंपोनेंट, और आप 21 के स्टूडेंट, और नीचे इस तरह आप इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, इस तरह से एक प्यारा सा पेज बना के आप लोगों ने यहां लगा देना। चाहे हाथ से लिख लें इस पेज को, चाहे हाथ से ले लें, चाहे कंप्यूटर। इस पेज के अलावा आपकी कोई भी आपका डॉक्यूमेंट जो है ना वो कंपोज नहीं होगा। ओके अब आप देखें आईईपी फॉर जो भी आप जो बच्चा है उस बच्चे का नाम लिखते हैं, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान फॉर या ऑफ अलीहा मैंने लिखा है फर्जी नाम,
हाँ जी, फर्स्ट पेज आप इस तरह बना के तो अपनी आईपी पे लिख बना दें, और सेकंड पेज आप इस तरह ये जो आपका बना हुआ है, ठीक हो गया? थोड़ा सा आप समझ लें, फिर इसकी डिटेल में बात करते हैं। आपने नेम लिख दिया, स्टूडेंट का नेम लिखना है, जिस बच्चे के साथ अपनी मर्जी से कोई भी बच्चा चूज कर लें अकॉर्डिंग टू आपका स्पेशलाइजेशन का एरिया, और उस बच्चे के एकेडमिक प्रॉब्लम को डिफाइन करना है आपने। पहला पेज आपने बना लिया, दूसरे पेज पे आपने उस बच्चे की करंट पोजीशन जो है, करंट सिचुएशन है, करंट असेसमेंट जो है, वो एक पेज के ऊपर लिखनी है, एक पेज के ऊपर। गूगल क्लासरूम में आप जाएंगे, वहां पे एक इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान पड़ा हुआ है, पीली बच्चे का बना हुआ, उसमें आप लोगों को इसकी हेल्प मिल जाएगी कि आपने करंट असेसमेंट कैसे बनानी है। और अगले पेज पे आप जाएंगे तो इस तरह आप एक टेबल बनाएंगे, जिसमें आप बच्चे का पूरा प्रोफाइल बना देंगे, स्टूडेंट प्रोफाइल, ठीक है? बच्चे का पूरा प्रोफाइल बनाने के बाद अगली आपका आ गया, इसमें आपने करंट असेसमेंट में आपने बच्चे का प्रॉब्लम मेंशन कर देना है। बच्चे आपको समझाने के लिए मैंने फर्जी तौर पे बनाई थी, अब इसको ऐसे कबूल कर लें, मेहरबानी, इतनी इतनी मिस्टेक ना निकाल लें, मुझे भी नजर आ रहा है, ठीक हो गया? हफ्सा बेटा पहले माफी दे दें, कोई बात नहीं, कहते हो तो दोबारा चेंज कर लेता हूँ, ठीक हो गया? यहाँ पे आपने स्टूडेंट का नाम लिखना है, ठीक हो गया? और गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर जो भी आपका है, जहां भी आप टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, उस सेंटर का नाम, और ये देखें ग्रेड और लेवल, ये VIC की बनी हुई है, VIC का बनाया हुआ है, इसको देखें, और उसकी एज, अपना नेम नहीं, मिलीहा आईपी, जो बच्चे के साथ जिसके साथ आप काम कर रहे हो वो लिखना है, और यहाँ जहाँ हामिद लिखा हुआ है यहाँ भी आपने मलिहा ही लिखना है, यानी मलिहा मीन कि वो बच्चा जो जिस बच्चे पे आप आईपी बना रहे हैं, ये बच्चे का लेवल लिखा हुआ है बच्चा, VIC बच्चे का, ये जो VIC के लोग हैं ये आई स्पेशलिस्ट से आइडेंटिफाई करेंगे जाके, वो आपकी आईपी का पार्ट होगा, ठीक है? वो आपको बताएगा कि ये लो विजन है, अगर लो विजन है तो कितनी इसकी नजर कमजोर है, किस लेवल तक पढ़ सकता है, आया ये ब्रेल पढ़ सकता है या नहीं, या इसके लार्ज इंटीरियर है, ये सारी डिस्कशन आप आई स्पेशलिस्ट से करोगे जो VI के एरिए पे पढ़ रहे हैं, ठीक है? अच्छा जी, आगे देखें जी, अब आपकी आगे जी उस बच्चे का एकेडमिक प्रॉब्लम क्या था, आपने लिख लिया, आपने वहां से हेल्प भी ले ली अपने अदारे से, अब आपने उसके अकॉर्डिंग एक कमेटी बनानी है। जो कमेटी के नॉर्मल लोग होंगे, जो रूटीन में आपको मिल जाएंगे, वो तो क्लास टीचर, साइकोलॉजिस्ट, स्पीच थेरापिस्ट, पेरेंट और प्रिंसिपल। अब इसके अलावा भी कोई बंदा आप लोगों, जिस बच्चे के आप काम कर रहे हो उस बच्चे की स्पेशल नीड में हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आप VIC बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, बच्चा टोटली ब्लाइंड है, तो उस बच्चे के साथ आपको ब्रेलिस्ट चाहिए, ठीक है? आप PD बच्चे के साथ काम कर रहे हो तो PD के लिए आपको फिजियोथेरापिस्ट चाहिए। आप जनाब HA बच्चे के साथ काम कर रहे हो, हेयरिंग अपेयर बच्चे के साथ काम कर रहे हो, तो वहां पे आपको स्पीच थेरापिस्ट और एडियोलॉजिस्ट चाहिए। MCC बच्चे के साथ आप काम कर रहे हो तो आपको साइकोलॉजिस्ट के साथ बिहेवियर थेरापिस्ट भी चाहिए। इस चीज की समझ आ गई है? जिसको आ गई है वो रिप्लाई करे, जिसको नहीं आई वो दोबारा क्वेश्चन करेगा, आपको एक करके बताता हूँ।
अच्छा जी सर, HIC के साथ। यस सर, HIC के साथ, MCC के साथ। सर रिपीट कर दें। जी सर समझ आ गई है, पहले MCC का बता दें। सर का माइक ऑफ है, सर रिपीट कर दें। ग्रुप बना हुआ है बेटा, ग्रुप तो बना हुआ है। मैं कह रहा हूं कि आप लोगों के सामने ये एक PPT शो हो रही है, एक आप लोगों के लिए एक सैंपल मैंने बना के यहाँ अपलोड करने की कोशिश की है। आपके गूगल क्लासरूम में भी मैंने लगा दिए थे, अब वहां भी पहले लगी हुई थी। कह रहा हूं बेटा कि कमेटी जो आपके पास स्टूडेंट आ गया, आपका स्टूडेंट है वो HI का माइट बच्चा है, उसका प्रॉब्लम स्पीच है, लेकिन HI के लोग हैं ना यहाँ पे जो HIC को पढ़ रहे हैं, HIC के बच्चे हैं ना यहाँ पे। आप लोगों ने दूसरे सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि HIC के बच्चे जो होते हैं वो को अगर लेवलाइज करें, लेवल बनाएं, तो वो उसके चार लेवल हमारे पास होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, सीवियर टू प्रोफाउंड और प्रोफाउंड। वैसे तो सीवियर से प्रोफाउंड ही होता है, लेकिन कुछ लोग सीवियर टू प्रोफाउंड भी लिख देते हैं। ठीक है, अब देखें आप एज ए स्टूडेंट जाते हो टीचर के पास, तो आपको तो उनके लेवल का नहीं ना पता, आपको कैसे पता चला कि ये माइल्ड बच्चा है? जी सितरा, जी नदीम, शाजिया, आमिना जफर, आप HIC के हो, जरा मुझे बताएं आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये माइल्ड बच्चा है? आप देख रहे हैं वो बच्चा लिख नहीं रहा, वो बच्चा बोल नहीं रहा, वो बच्चा जनाब टीचर की क्लास में बैठा टीचर की बातों को नहीं सुन रहा, टीचर को इतना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो आपने उनसे बात की, टीचर ने आपको बता दिया ये माइल्ड बच्चा है, तो भाई टीचर को कैसे पता चला जी माइल्ड बच्चा है? इस इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान में इस बच्चे का मेन रोल है, इस बंदे का, जो तो हमें ये बताएगा कि ये माइल्ड बच्चा है। या लिंक सेंड कर देंगे, जो बात हम कर रहे हैं उसको तो कर लें अक्रम साहब। अच्छा चले जी, मैं बताता हूँ जी आपको कैसे पता चलेगा। आप स्पेशल एजुकेशन के अदारों में जाएंगे, या आप लोगों को आज विजिट करवाने का असल मकसद ही ये था कि आप चीजों को समझ सकें, आपको आपके सामने चीजें आ जाएं। नहीं जी बच्चे के रिस्पॉन्स से पता नहीं चलेगा बेटा, मेरी पास आप लोगों ने 6, 80, 6, 81, 6, 82, 6, 83 इस इन्हीं चार बुक्स में से किसी एक बुक में है स्पीच और हेयरिंग एंड स्पीच कैरेक्टर 683 है, उसमें बाकायदा एक पूरा चैप्टर है स्पीच के ऊपर। उसमें आप लोगों ने ऑडियोग्राम और ऑडियोग्राफ को पढ़ा होगा, ऑडियोमीटर को पढ़ा होगा। जब हमें ऑडियोमीटर ऑडियोग्राम बना के देता है, ऑडियोग्राफ बना के देता है, उससे हमें पता चलता है कि ये बच्चा माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, प्रोफाउंड है।
ऑडियोग्राम का कंसेप्ट है ना आप लोगों का? देखिए ना, ऑडियोग्राम के ऊपर हमें माइल्ड बच्चे का किस तरह पता चलेगा? आपने ऑडियोग्राम के ऊपर, अब टीचर प्रैक्टिस में आपने ये चीजें लोगों से सीखनी है। ऑडियोमीटर के कमरे में आप जाएंगे, उस बच्चे का हेयरिंग लेवल चेक करेंगे, वो आपको एक ग्राफ पे बना के देगा, और आपने उस ग्राफ को वहां सीखना भी है। उसने एक दफा टून दी 5 Hz पे, तो वो बच्चा 45 पे रिस्पॉन्स दे रहा है। फिर उसने 1000 पे दी, वो बच्चा 50 पे दे रहा है। फिर उसने 15 पे जाके 100 पे जाके दी, तो वो बच्चा आपको रिस्पॉन्स दे रहा है जी। तो इन तीनों को हम जमा कर लेंगे, तो हमारे पास 3 दफा चेक करने के बाद ऑडियोग्राम का रिजल्ट आया, जमा कर लेंगे, और इसको तीनों को जमा करने के बाद 3 पे हम तकसीम कर देंगे। जो हमारे पास डिजिट आएगा वो उस बच्चे का हेयरिंग लेवल है। ओके, और इस लाइस बना पर हेयरिंग की स्पेशल नीड क्या हुई, एडियोलॉजिस्ट या ऑडियो मीटर लिस्ट जो स्कूलों में होते हैं। बहुत बड़े स्कूलों में एडियोलॉजिस्ट भी आपको मिलेंगे, छोटे स्कूलों को आपको ऑडियो मीटर लिस्ट मिलेंगे। ऑडियो मीटर के जरिए वो बच्चों की हेयरिंग चेक करके आपको बताएंगे कि ये बच्चे का लेवल क्या है। क्लियर? हेयरिंग अपेयर बच्चे के लिए जो मेन करदार है हेयरिंग अपेयर बच्चे की आई पी पे, वो हाँ जी सेंट्रल वाले स्कूल्स में भी होते हैं जो मिडिल और हाई होते हैं, प्राइमरी में शायद ना हो। ठीक हो गया, अगर आपको इस तरह के लोग नहीं मिलते तो आप स्पेशली हॉस्पिटल में जाके उस बच्चे का हेयरिंग लेवल चेक करवाएं, ताकि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हों, आईपी के कंसेप्ट क्लियर हों, आपके जो